लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। अमरनाथ जी की कैसे स्थापना हुई? उस स्थान पर भगवान शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम उपदेश दीक्षा दी थी और वो गुप्त मंत्र बताया था। वो गुप्त मंत्र, ये पांच मंत्र है, पांचों मंत्र उसको दिए थे पार्वती को, और पार्वती ने उन मंत्रों से जो भी लाभ प्राप्त हुआ तो पार्वती को हो गया। जब तक भगवान शिव की आयु है तब तक पार्वती भी उनके उस आयु तक वो अमर रहेगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी। अपने आत्माओं, अब उस अमरनाथ को देखन हम जावें या वहां माथा टेकन जावें तो हमें क्या लाभ होगा? ये यादगारें, ये तीर्थ स्थान तो ऐसे हैं जैसे पहले ये दास नगर नगर में जाकर एक सत्संग किया करते थे शहर शहर में, और वहां सत्संग सुनाते थे, पंडाल लगाते थे, वहां भट्टी लगाते थे, कोई सब्जी बनाते थे भगवान का भोग लगाने के लिए, हलवा बनाते थे, और हम वहां सत्संग करके चले जाते, और फिर बाद में कोई न्यू कहे कि चल तुझे दिखा के लाऊं कि वहां मुझे नाम मिला था, वहां संत रामपाल ने नाम दान किया था बहुत व्यक्तियों को, और वहां खीर बनाई थी, हलवा बनाया था, तो वहां जाकर क्या देखेंगे कि वो ईंटों के चूल्हे पड़े पाएंगे, भट्ठी पाएंगी ईंटों की जो हम बनाया कर रोटी बना के और खा के अपना वहां पूरा काम करके अगले स्थान पर चले जाते। अब उन भट्ठियों ने दिखाकर कोई नोके यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाया था, यहाँ नाम दिया करते, यहाँ सत्संग हुआ था। अब वहां ना तो सत्संग, ना हलवा, ना खीर, वह भट्ठी है, तो वो स्थान देखो जहाँ फिर सत्संग हो रहा हो तो सारी चीज मिले। तो अमरनाथ और ये जितने तीर्थ हैं ये तो वह भट्ठी हैं, वो तो ये चिन्ह है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ था कभी, अब वर्तमान में वहां कुछ नहीं है, केवल तुम पाप के भागी होते हो। इस एक ही उदाहरण से अन्य उदाहरण समझ लेना है।